अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मिडल ईस्टर्न पुडिंग। आज हम बनाएंगे महालाविया। बहुत यम्मी डिलीशियस ये बन के तैयार होती है और बनाना भी इसे बेहद आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी आपसे हमारे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। मैंने यहाँ पे एक पैकेट दूध लिया। अगर हम मेजर करेंगे तो हमने आधा लीटर ये दूध लिया, और अगर हम कप के मेजर से देखेंगे तो मैंने ये 2 कप दूध लिया। अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो 1/4 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, और 1/4 कप हम इसमें ऐड करने वाले हैं शक्कर। अभी हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, सारे इंग्रीडियंट को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो विस्कर की मदद से हम बहुत अच्छे से मिक्स करते रहेंगे सारे इंग्रेडिएंट को, और 1 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। इसमें जितने भी लम्स वगैरह थे सारे ही रिमूव हो गए, और जब इसमें से सारे ही लम्स रिमूव हो जाएं तो फिर हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और फ्लेम को ऑन करने के बाद भी हम इसे लगातार अच्छे से चलाते हुए ही कुक करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, तो उससे क्या होता है कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है और गांठें बन जाती हैं, तो इसलिए इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम चलाते हुए बहुत अच्छे से कुक करेंगे, और जब तक हम चलाएंगे जब तक हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिक नहीं हो जाता, यानी गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट मैंने बहुत अच्छे से इसे कुक किया है। और अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं फ्रेश क्रीम। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड की है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज ब्लॉसम। तो मेरे पास में ऑरेंज ब्लॉसम है तो मैंने इसका यूज़ किया है। बाय द वे, अगर आपके पास में ऑरेंज ब्लॉसम नहीं है तो आप इसमें केवड़ा वाटर या फिर आप इसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो फ्लेवर के लिए। तो इस तरह से मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किया। अगर आपके पास में फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें चीज़ क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और अब हमें चाहिए होगा एक बोल। हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अभी 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। और अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो 5 मिनट के लिए। बस आपको ध्यान रखना है इसमें बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए। और पहला मिक्सचर आपका ठंडा हो जाए उसके बाद में हमें सेकेंड मिक्सचर पे बनाना है। इसके लिए हमें सॉस पैन चाहिए होगा, और 1 कप मैंने लिया है इसमें पानी। और हम इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें शक्कर। अभी हम फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे, इसको भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इसको भी हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक सारी ही इसमें से लम्स रिमूव नहीं हो जाते। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 1/2 मिनट बहुत अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया। आप चाहें तो इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, या फिर रेड फूड कलर का इसमें यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ऑरेंज ब्लॉसम। तो मैंने इसमें ऑरेंज ब्लॉसम का यूज़ किया है, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर या फिर आप इसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो फ्लेम को ऑन करके, और अच्छे से इसे भी चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 1/2 मिनट बहुत अच्छे से इसे कुक किया है, और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया। अब हम चलते, और हमने पहले वाले मिक्सचर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था। आइए अब हम 10 से 15 मिनट के बाद उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। जब इस तरह से ये सेट हो जाए पहला वाला मिक्सचर, तो इसके बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज हमने मिक्सचर बना के रेडी किया था इसके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे। महालाविया को अभी हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं अखरोट। अखरोट से हम इसे महालाविया को गार्निशिंग करेंगे। तो मैं इसमें अखरोट का यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें काजू का, बादाम का, या फिर आप इसमें पिस्ता वगैरह का यूज़ करना चाहते हो गार्निशिंग के लिए महालाविया को, तो उससे भी आप इसे गार्निशिंग कर सकते हो। वैसे ऑथेंटिकली इसमें अखरोट का ही यूज़ होता है गार्निशिंग के लिए महालाविया को। तो इस तरह से मैंने इसे अखरोट से गार्निशिंग किया है, और यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में भी बहुत यम्मी और डिलीशियस बनके तैयार होती है। कमाल का टेस्ट होता है महालाविया का, और आप इसे खुद खाएँ या फिर अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएँ, सभी को बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इस तरह से हमारी महालाविया बनके तैयार हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। महालाविया वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फैमिली फ्रेंड
फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आपकी महलाविया कैसी बनी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।